हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृपा सिंधु सुसंपूर्णो सर्वसत्त्वोपकारकः निस्पृहो सर्वतः सिद्ध्यो सर्वविद्या विशारदः निस्पृहो सर्वतः सिद्ध्यो सर्वविद्या विशारदः सर्व संशय संक्षेत्ता अनलस गुरुर आहितः। श्रीशील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने बताएं, अनुगत्यहीन जीव पशु सदृश। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने बताएं, अनुगत्यहीन जीव पशु सदृश। शुद्ध गुरु वैष्णव का अनुगत्य में अवस्थित होके भजन शुरुआत होता है। अनुगत्यहीन जीव पशु सदृश, या तो और भी ज्यादा बोले पशु से भी नीचे चला जाता है। पशु इतना घटिया काम नहीं कर सकता, इतना नीचे चले जाते। ज्यादा हरि कथा बोलना, सुंदर हरि कथा बोलना, हरि कथा कीर्तन करना, ये अगर हरि भजन का लक्षण है तो बाजार में बहुत कथा बोलने वाला आदमी है। हमारा शास्त्र में ततस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण बताया गया भक्ति का बारे में। इस विषय में चर्चा करना शुरू कर दे, इट विल टेक टाइम, समय लग जाएगा। लेकिन बात यह है, भाषण देना, अच्छा कीर्तन करना, ये भक्ति नहीं है। भक्ति का स्वरूप लक्षण, ततस्थ लक्षण संत महात्मा से बहुत ध्यान से सुनने का कोशिश करो, देन नोबडी कैन चीट यू। वास्तव बात यह है, जो रावण हिरण्यकशिपु ये लोग भी बहुत सारे सुंदर प्रवचन देना जानते थे, बहुत सुंदर। सप्तम स्कंद शुरुआत में हिरण्यकशिपु अपना माताजी और भाई का जो बहू है उनको सुंदर प्रवचन दिया। तो हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष रावण, रावण का इतना शास्त्र ज्ञान था वो घंटों भर प्रवचन करते। लेकिन ये प्रवचन करना ही भक्ति नहीं है। भक्ति का सबसे बड़ा चीज है, जो भागवत में जो श्लोक देके शुरुआत किया उसका थोड़ा हम व्याख्या करेंगे, इट विल बहुत समय लगता है, फिर भी थोड़ा टच करें। फिर भी भागवत में भगवान श्री कृष्ण सुंदर एक बता है, आचार्य अरणिर आद्यो साद अंते वासु उत्तर आरणि तत्प्रवचनम संधिम विद्या संधि सुखावह। बहुत सुंदर, एकदम दिमाग जो है क्लियर हो जाएगा। बल आचार्य किसको बोलता है, बल आचार्य अरणिर आद्य, काल भी थोड़ा टच किया, किसी को समझ में नहीं आया। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बताए, जे इस जड़ जगत का अंदर में चीज जगत का विषय में जितना सारे लेक्चर दो, दे कैन नॉट फील इट, अनुभव करना आएगा नहीं। एक भक्ति विनोद ठाकुर ऐसा है, एक भक्ति विनोद ठाकुर जो ये जड़ जगत का आदमी के लिए अप्राकृत जगत का जो चीत भावना, इसको अपना भाषा में इतना क्लियरली प्रकट किया कि एटलीस्ट 50% कॉन्शियसनेस आपका अंदर आ जाए तो यू कैन रियलाइज इट टू सम एक्सटेंट। भक्ति विनोद ठाकुर है, ये अनंत ब्रह्मांड में एकमात्र तो भक्ति विनोद ठाकुर है जो अप्राकृत जगत का जितना सारे टिपिकल विषय जो समझना संभव नहीं, गोस्वामी लोग ने बहुत लिखा है बट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। एक भक्ति विनोद ठाकुर है जो वो सब चीज को, दर्शन को लाकर अपना अनुभव के द्वारा अमृतमय करके भाषा के द्वारा इतना परिस्फुट किया है, ये असंभव, क्वाइट इम्पॉसिबल। एक भक्ति विनोद ठाकुर है। भक्ति विनोद ठाकुर अप्राकृत जगत का जितना सारे फीलिंग्स है, अनुभव है,
जो विषय है वो जड़ जगत का जितना सारे व्यक्ति है इसका अंदर में थोड़ा बहुत अनुभव कराने के लिए चेष्टा की। काल ये बात को हम उठाया था जे इस जड़ जगत का अंदर में हम जितना लेक्चर दे दे कैन नॉट फील इट। अगर हमारा आचरण है आदर्श है तो दे कैन फील सम रिएक्शन इन साइड देयर हार्ट। हमारा अगर आचरण है आदर्श है चरित्र है तो ये लोगों का अंदर में थोड़ा बहुत इंप्रेशन जरूर पड़े। ये मेरा अहंकार नहीं है, ये गुरु जी का गिफ्ट है। अगर मेरा आदर्श है आचरण है हम तो जानते हमारा नहीं है, अगर है तो ये लोगों का अंदर में थोड़ा इंप्रेशन जरूर पड़ेगा। अगर हमारा साथ इन लोगों का जिंदगी भर दर्शन नहीं हो फिर भी वो सोचेगा एक दिन एक कथा सुना था, दे कैन रिमेम्बर। तो बात यह है, इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बताया ये जड़ जगत का अंदर में अपरागिक जगत का विषय जितना चित जगत का विषय जितना बोलने का कोशिश करो अनुभव नहीं कर सके। तो भक्तिविनोद ठाकुर उदाहरण दिया ये जड़ जगत का अंदर आग जो फायर है आग जो है ये चीज जगत का कथनचित उदाहरण सल है इट कैन बी है ये संभव संभव तो नहीं है क्योंकि आग काल बताया था भूमि रापो अनलो खंग मन बुद्धि रेवच अहंकार इतियम में प्रकृति रष्टधा। आप अगर सोचोगे जो आपका जो आपका जो मसला है हृदय में मानी पावर मैन पावर ये जो जो कुछ भी ब्रेन पावर एडुकेशन पावर जो कुछ भी है हम कल भी बताया था ये सब जो संपत्ति आपका अंदर में है ये सब एकत्रित करके इफ यू चैलेंज स्टिल यू कैन नॉट अप्रोच। आप चैलेंज कर दोगे हम जान के रह गए गुरु जी को भगवान को जान के रह गए यू कैन नॉट कम आउट सक्सेसफुल। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनुषासः उपनिषद में है ये मन बुद्धि भगवान को जानने के लिए प्रयास किया भगवान को जा रहा है नहीं ये ठीक है ये ठीक है विचार करके रैशनलिटी जो बुद्धि है हमने अक्सर प्रभुपाद जी के बात बोलते हैं लॉजिकल इंटरप्रिटेशन कैन नॉट स्टैंड इन द वे ऑफ दैट एब्सोल्यूट ट्रूथ। अपरागिक जगत का ओर जाना चाहो तो पहले आपका जो अहंकार है इसको काट के फेंको। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू काट एंड थ्रो इट अदरवाइज यू कैन नॉट गो। ते ये आग जो है आग कथनचित स्लाइट सामान्य उदाहरण स्थल क्योंकि आग दिखाई नहीं पड़ता लेकिन भगवान बोलता है आपके अंदर में जितना चुप्पो चौस लेह पे हो जितना सारे खा भोजन करते हो पचामी अहम वैश्यनर अग्नि अंदर में भोजन पचाता है कहाँ अग्नि है। डॉक्टर आके बोलता है कोरामिन देना पड़ेगा और ठंडा हो गया। आग है लेकिन आग को प्रकाशित करने के लिए दो काट सूखा लकड़ी ये लिखा है भागवत में आचार्य अरणिर आद्य ये एक लकड़ी है सूखा और दूसरा एक सूखा लकड़ी है दोनों में घसो ऐसा ऐसा देन शॉर्टली यू कैन फाइंड इट कैन सेट फायर आग लग जाएगा। अरे वृंदावन में होता नहीं राजस्थान में गर्मी के टाइम में एक बिक्को का साथ दूसरे बिक्को घर्षण लगे बस दबाग्नि जल गया फायर जंगल में आग लग गया लग गया ना बहुत सारे ये सब घटना है। तो ये जो उदाहरण है इतना सुंदर दिया है भगवान ये आचार्य अरणि आद्यो साध है अंते वासु उत्तर अरणि शिष्यों को समझो कि ऊपर का काट और है उत्तर अरण्य भाई एक दूसरे का साथ घर्षण करो तत्प्रवचनम संधिम। ये गुरु वैष्णव का काल जो बताया था बहुत गंभीर सिद्धांत तो है लेकिन व्याख्या नहीं कर पाया। अप्रापित सब्र ब्रह्मो ऊपर जगत से गुरु वैष्णव का जवान पे उतारता है दे हैव एरियल कनेक्शन डायरेक्ट जैसे आप बोलते हैं ना कनेक्शन नहीं है कनेक्शन कट गया। ये वास्तव जो साधु महात्मा हैं वो आचरण करते भजन करते हैं सेवा करते हैं प्राण से इन लोगों का साथ अपरागिक जगत का साथ कनेक्शन है एरियल कनेक्शन। वो जब भी प्रवचन करने बैठते हैं ऊपर से शब्द ब्रह्म आता है नॉट दैट ही मेमोराइज इट एंड स्पीक इन फ्रंट ऑफ यू टू गेट क्लाइबिंग नॉट दैट उसका साथ भगवान का कनेक्शन है। अपरागिक जगत का शब्द ब्रह्म उच्चारण करने का बहुत वंदना करके उसका जवान पे उतारते हैं ऊपर से शब्द ब्रह्म जैसे आए उच्चारण करे इसको बोलते हैं शब्द ब्रह्म।
और ये जो इसी के बारे में भगवान बता इस श्लोक में बताया जे तत् प्रवचनम संधिम, प्रवचनम जो है प्रवचन जो है अपरागिक शब्द में वो ये संधि है टारगेट, ये जो संधि है अपरागिक शब्द में वो ट्राई कर रहा है टू सेट फायर इन साइड द हार्ट ऑफ डिसाइपल। जो आया है डिसाइपल तो कोई नहीं है, आया है जो गुरु जी का जन्म उसका अंदर में हरि कथा बोलना शुरू कर ये संधान, उसके बाद विद्या संधि सुखा भव ये अपरागिक प्रवचन करते करते बस शिष्य का हृदय में आग जल गया, हमको संसार क्या काम का है, हम संसार छोड़ देंगे नहीं रहेंगे, हम भगवान का सेवा करेंगे। इसमें एक वाइटल पॉइंट हम क्लियर करना चाहे, सदगुरु का वाइटल लक्षण क्या है, सदगुरु का वाइटल लक्षण है उसका सामने कोई आ जाए शरणागत हो गए तो गुरु उसका अंदर में वो जो फायर है जो है उसका अंदर में लगा सकता है, आग लगा देगा। कौन चीज का आग, कौन चीज का, प्रेम का आग, विरह का आग, विरह जंत्रों का, हमारा भगवान का है, भगवान चला गया हमको भगवान चाहिए, कुछ नहीं चाहिए हमको जिंदगी में, ये जो टारगेट है सदगुरु का पास आने से होता है। सदगुरु उसको बोला जाता है जो अपने आचरण करे और ही कैन इनकल्केट द फीलिंग इन साइड योर हार्ट। सदगुरु सक्सेसफुल, सक्सेसफुल सदगुरु वो है जो खुद आचरण करता है, खुद आचार जो है सक्सेसफुल आचार जो जो आचरण भी करता है और तुम्हारा सामने रहे प्रवचन करे तुम्हारा लगेगा गुरु जी का वचन हमको मानना चाहिए, हम करेंगे हम भी सेवा करेंगे, अर्थात गुरु जी अपना जो सेवा का फीलिंग्स है तुम्हारा अंदर में भर दिया और गुरु जी चला गया तुम सेवा करना शुरू, पूरा जिंदगी सेवा करो, सेवा करने का भावना आ गया और तुम भी दूसरे को दूसरे का अंदर में सेवा का जो आग है भावना है वो कर सकते हो। थोड़ा देर पहले हम बोल रहा था मास्टर जी का सामने ना आपका सामने तुलसीदास जी एक बात बोला, ध्यान देना इस बात पर, तुलसीदास जी ये बात बोला बिना सत्संग तरे ही ना कोई, ये तो है सब जानता है दे कैन मेमोराइज, सब मुखस्थ कर लिया, अरे महाराज प्रवचन का सन्नी में हम भी बोल देते तुलसीदास जी का माफिक, बिना सत्संग तरे ही ना कोई, हाँ तो ठीक है लेकिन कोई कोई तरने का लिए तो कोई तैयार नहीं है, क्यों बिना सत्संग तरे ही ना कोई, लेकिन इसका बाद एक शब्द तुलसीदास जी ने बोला बिना सत्संग तरे ही ना कोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सुई, सत्संग आप अहंकार के द्वारा करोगे होगा नहीं, सत्संग आपका मन में इच्छा रहे और ठाकुर जी अनुमोदन करे आपका अगर सुकृति है सत्संग प्राप्त पुंगवीर बहुवीर सुकृति पूर्व संचित हुई, पूर्व संचित सुकृति है तो आप सत्संग मिल जाए। और तो साधु संग दो किस्म का होता है, पहले साधु संग जो है आपको मोटिवेट करेगा, पहला रूप गोस्वामी पाद बोला पहला साधु संग के बाद साधु आप बोलेगो हम 20 साल साधु संग कर रहा है, आप बोल रहे हो महाराज हम 20 साल साधु संग कर रहा है लेकिन हम देखा इसका जिंदगी में गुरु ग्रहण करने का कोई इच्छा नहीं है, रूप गोस्वामी पाद बोला इट इज फॉल्स, बेकार है मिथ्या बोल रहा है, आपका कोई वैष्णव का बाद साधु का बाद हरिकथा सुनने का बाद वास्तव सदगुरु ग्रहण करने का इच्छा नहीं पैदा हुआ वो आप सत्संग नहीं किया, वास्तव साधु संग का, वास्तव साधु संग का यही अदौ गुरु पदाश्रयो तस्मात गुरु दीक्षा आदि शिक्षण, बहुत सारे श्लोक का व्याख्या है जो भी है, श्रील सागर गोस्वामी महाराज आज जिसका आरती हो रहा है आपका तो आरती नहीं हो रहा है, इसका तो आरती नहीं, क्यों इतना आदमी है करोड़ों आदमी जगत में है क्या किसी का तो इतना आरती नहीं हो रहा है, आज से सागर गोस्वामी महाराज का किस बात का आरती हो रहा है, भला महाराज वही तो बात आज एक क्वेश्चन है, सागर महाराज इज सच ए यूनिक पर्सनैलिटी जो अपना जिंदगी में गुरु वैष्णव का सेवा करते 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 स्वयं पूज्य बन गया, स्वयं वो पूज्य आसन में बैठ गया सेवा के द्वारा, वैष्णव सेवा जाहे सर्वसिद्धि है, सर्वसिद्धि मतलब भगवत प्रेम जिसके लिए ब्रह्मा शंकर पागल होता है यार वो मिल जाएगा आपको, सदगुरु वैष्णव का सेवा करते करते आपको प्रेम संपत्ति मिल जाएगा जो करोड़ों करोड़ों जन्म में नहीं मिलता है। सागर महाराज जी ऐसा एक साधु है जो शास्त्रों का परिभाषा मुखस्त करके वो प्रवचन नहीं दिया,
सागर महाराज प्रवचन के द्वारा आपका पूज्य नहीं बना। सागर महाराज जो है वो सेवा करते करते ऐसा अवस्था में किया, आज श्रील सागर महाराज के चरण कमल में मेरा ये जो मेरा जो फालतू मस्तक है, मेरा मस्तक जो है उत्तम अंग शास्त्र में बोलता है, ये हम अब महाराज जी के चरण में आज रख दिया था, सब देखा हमारा ये उत्तम अंग हो, मैं महाराज जी का चरण में रख दिया, आपका आपका ये जगह है उधर रहे। बात ये है शास्त्र मुखस्त करो, प्रवचन करो, वो आपका कहने सुनने तक सीमित रह जाएगा। ये जो प्रवचन है बाजार में चलता है वो बहुत शास्त्र मुखस्त किया, वो करने करते करते ऐसा सुंदर प्रवचन दे, शास्त्रों में ये बताया गया ये श्रवण और कीर्तन इतना तक, वो श्रवण वो कहने सुनने तक सीमित रह जाएगा, अपना अनुभव में कभी नहीं उतरेगा। तो सब जो है जितना सारे भक्तों लोग इधर उपस्थित है, सब चेष्टा करो श्रील सागर गुरुस्वामी महाराज का चरण का धूलि बने, वांछा कल्प करो के पास पतितानं पावन भविष्य। जय श्री सागर महाराज जी की जय।